हेलो एवरीवन, आई एम विनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलकंद मटका कुल्फ़ी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। गुलकंद मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए हम एक पैन में ले रहे हैं 1 लीटर फुल फैट मिल्क। गैस को ऑन कर देंगे और एक बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। और जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ऑलरेडी शुगर है। 1 से 1.5 घंटे तक कंटिन्यू चलाते हुए अब ये गाढ़ा हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और पूरी तरह से ठंडा करने के बाद हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इस गाढ़े दूध को हम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट गुलकंद। तो ये गुलकंद मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो ये 1/2 कप गुलकंद हमने निकाल लिया था एक बोल में, तो इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप रोज़ सिरप का। कुल्फी को अगर आप थोड़ा पिंक कलर का बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा पिंक फूड कलर ऐड कर सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्रॉप पिंक फूड कलर की। ये फूड कलर एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। जार को ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, कुल्फी का मिक्सचर अब रेडी है, तो हम इसे इस तरह के छोटे छोटे क्ले पॉट्स में फिल कर लेंगे। कुल्फी को आप कुल्फी मोल्ड में या फिर स्टील के बोल में या फिर डिस्पोजल कप में भी आप फ्रीज कर सकते हो। मिक्सचर को हमने भर लिया है इन क्ले पॉट्स में, तो हम इसे ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद मटका कुल्फी अब रेडी है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। ये ठंडी ठंडी मटका कुल्फी काफ़ी टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सी यू सून विथ अ न्यू डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नितास किचन।